भारत जोड़ो यात्रा से आम लोगों में क्या असर पड़ रहा है, जो लोग इस यात्रा को दूर से देख रहे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए मैं लखनऊ में नाके पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आम लोगों की राय जानेंगे और देखेंगे कि उसका कोई असर पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आइए मेरे साथ। वो जो उनकी इमेज बनाई गई ना पप्पू वाली, ये क्यों, मतलब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अब नहीं रहा पप्पू, पप्पू अब अच्छा काम कर रहा है। पप्पू अच्छा काम कर रहा है इस टाइम, ऐसा दिखेगा। पर कुछ उनके भाषण जैसे है कि एक तरफ से आलू भेजो एक तरफ से सोना निकालो, वो थोड़ा उनको बदलना चाहिए मेरे ख्याल से। कहाँ देखा है भाषण? अरे देखा टीवी में आता नहीं, मैम टीवी में नहीं देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा, सब में आता है। पर उनको बदलना चाहिए मेरे ख्याल से। ये फेक है, ये वाला वीडियो फेक है। वो अभी से बदलाव ला रहे हैं, अभी से बदलाव, बिल्कुल क्यों नहीं, वो बदलाव आया तो बदलाव ला रहे हैं, पूरे स्टेट को जोड़ रहे हैं, वो सबको हाफ टी शर्ट टहल रहे हैं ठंडी में, तो बदलाव नव युवा साथ दे रहे हैं। आप तो सिर्फ हाफ टी शर्ट के चक्कर में पड़े हो। मैम बदलाव ला रहे हैं ना, बदलाव ला रहे हैं, कैसे बदलाव लाए? सिर्फ ये हाफ टी शर्ट पहनने सर्दी में तो बदलाव आ गया। मैम सब भारत जोड़ जाता ऐसे नहीं जुड़ेगी ना। राहुल गांधी कहते हैं उनको सर्दी नहीं लगती है, टी शर्ट में घूमते हैं। भाई उनके पीछे तीन खानदान का बैकअप है, मोटी मोटी रजाइयां लगी है, उनको सर्दी कहाँ लगेगी मैडम, उनको सर्दी नहीं लग सकती। अच्छा कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, कुछ सीख पाएंगे राहुल गांधी? मैडम पहली बात तो भारत जोड़ो नहीं है वो, उसको कुत्ता बिल्ली और सुअर देखते हैं, वो यात्रा कहाँ देखते हैं? उनको कुत्ता बिल्ली सुअर दिखता है यात्रा के अंदर, बचपन आ गया नहीं पप्पू का, जैसे बच्चे नहीं होते कुत्ता देखे खेलने लगते हैं, सुअर देखे खेलने लगते हैं, वैसे वो भी खेलने लगते हैं। जानवरों से प्रेम तो सबको होना चाहिए, मनुष्यों से प्रेम, हर व्यक्ति से प्रेम। तो मैडम भारत जोड़ो के जानवर जोड़ो करो ना फिर। अच्छा जानवर जोड़ो, सारे जानवर जोड़ो, हमें भी अच्छा लगता है, जीबरा जेबरा कंगारू, क्या दिक्कत है? तो मोदी जी का मोर दिखा कि नहीं दिखा? मोदी जी का मोर बड़ी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का गांधी जो आप लोग कह रहे हो वो कोई प्रूफ करेगा गांधी है क्या? है दत्तात्रेय गोट बताते हैं अपना, वो क्या वो दत्तात्रेय गोट के पंडित थे और उनके नेहरू जी के जो पिताजी थे वो गयासुद्दीन गांधी थे, तो गांधी से गांधी, गांधी से गांधी, तो ये तो थी नहीं है। अबे रास्ता देखो भाई, मेरा सवाल भी यही है कि नेता आपको काम के लिए चाहिए, इधर आइए, कि आपको सिर्फ हिंदू नेता होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। मोदी हिस्ट्री से क्या मैडम, मोदी जी का 25% दिखा दीजिए उनके अंदर, हमको क्या प्रधानमंत्री बन जाओ, सर्दी लगती नहीं है, क्यों फिर निकले बाहर बैठे घर में? तो उनको सर्दी लगने लगे, आपको क्या एक दिक्कत है? नहीं बात है ना कि उनको छोड़िए, अपना बताइए, ये गर्मी और ये सर्दी जो बता रहे हैं ये क्या है, ये तो ये जुमलेबाजी है। अच्छा जैसे मोदी जी जुमलेबाजी कहते हैं तो उनकी भी जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, उनको सर्दी लगती है। देखिए नेताओं का काम ही होता है जुमलेबाजी करना भैया, नेता अगर जुमलेबाजी नहीं करेगा तो सत्ता में कैसे आएगा, जनता के दिल में कैसे पहुंचेगा? जुमलेबाजी तो जरूरी है, जुमलेबाजी से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे फिलहाल, जुमलेबाजी से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हाँ मोदी जी में काबिलियत थी जुमलेबाजी करके पहुंच गए, ये जुमलेबाजी करके ना पहुंच पाएंगे। मतलब आप लोग जुमलेबाजी बना देते हैं प्रधानमंत्री? और क्या बना देते हैं, मानते हैं ये चीज की जुमलेबाजी करी है उन्होंने, जुमलेबाजी चलती है देश में। ये बताइए कि अभी क्या लग रही है राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप टीवी से देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप उस यात्रा को लेकर आपका नजरिया क्या है? नजरिया मेरा बहुत अच्छा है उनका फिलहाल है, ठीक है फिलहाल, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अपनी बात रखने से आप लोग पीछे क्यों हटते हैं? हमें नहीं बोलना ही नहीं आता, हमें बोलना ही नहीं आता। तो अभी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव का फैन है बस। अच्छा अखिलेश यादव बस ओनली। तो भक्त हैं आप फिर? हम तो भक्त हैं ही उनके, आपके भी भक्त हैं, हम दोनों तरफ भक्त हैं भैया। भक्त ना बनिए, नहीं लाइक करिए, काम को पसंद करिए, भक्त ना बनिए, भक्त बनेंगे तो नुकसान होगा। हम भक्त ही बनेंगे हम, और कुछ नहीं। राहुल अखिलेश यादव नुकसान करेंगे अपना भी और देश का भी। होने दीजिए, होने दीजिए, किसी नेता के भक्त नहीं बनिए, सुनिए सुनिए, भक्त ना बने, नेताओं को उनके काम से याद करें, नेताओं को उनके काम से जाने। अखिलेश यादव भक्त बनकर क्या फायदा, हमको कोई फायदा। राहुल गांधी, राहुल गांधी इज द बेस्ट सेंट्रल के लिए। अच्छा क्योंकि भक्त है, भक्तों की कौन सुनता है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप तो चलिए चलिए आप यहाँ से काट के छोड़ दोगे, सरकार डिफरेंशिएट नहीं करता भक्त और चमचों में। आपके वक्त में था भी कि आपने ये कहा था ना भक्त मत बनो, भक्त मत बनो, आप अपनी जगह पे तू आपका स्तंभ है भैया, रुकिए आप चौथा स्तंभ है, सही बात है, सही बात है। आप ये चीज ना कहिए, अगर मेरा वर्जन चाहिए तो मेरे भी को आता है, मैं नहीं कहूंगा कि गुलामी जला भक्ति होती है, भक्ति में प्यार होता है, मेरी बात सुनिए, नहीं आप गुलामी को हम जवाब, एक बात का जवाब दीजिए मेरी, नहीं नहीं अभी जो
कहा उसको भी सुन लीजिए। मैंने कहा किसी भी नेता का भक्त मत बनो, मैंने कहा भक्त दोनों तरफ है। तो भक्त क्या, तो भक्त भक्त ना बने। क्या इतना दूषित है? नेता के भक्त ना बने, भगवान के मत बनिए। नेता के भक्त चमचे मत बनिए। मैं किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता हूँ, पर चमचे मत बनिए। नेवर बी अ चमचा, कौन भी है मुलायम, भक्त बनो। आप देश बर्बाद करेंगे। गुलामी से अच्छी भक्ति है। नेता के ना बनिए, नेता के ना बनो। चलो चलो, ये जो लोग हैं भैया, इनको चाहे जितना समझा दो कि नेता के भक्त ना बनो, लेकिन हम कौन है भैया, ना तो हमारे समझाने से ये बेचारे समझ पाएंगे और ना तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा। भाई अब वो अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रहे हैं। हाँ। अब असर पता चलेगा कि अगर वो जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे। अच्छा। वैसे कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, कुछ फर्क पड़ेगा। इस यात्रा के पहले क्या राय थी राहुल गांधी के लिए आपके मन में? भाई राहुल गांधी जो थे वैसे तो किसी काम के नहीं थे। हाँ। जो लेकिन जो यात्रा वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि शायद कुछ। ये बताइए कि राहुल गांधी की जो इमेज बनाई गई, हाँ। पप्पू वाली जो इमेज बनाई गई, आपको क्या लगता है कि ये इमेज बदल पाएगी इस पूरी यात्रा से? बिल्कुल बदलेगी। राहुल गांधी को लोग गंभीर नेता, मैच्योर नेता, अपना नेता मान पाए। उनका जो पोस्चर इस समय है वो दिखा रहा है कि वो गंभीर नेता के रूप में निकल रहे हैं। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, अमेठी में HL BHL हराए भी तो राहुल गांधी को, ये भी तो बात है। मैं हराया नहीं हूँ। बदलाव आ पाएगा राहुल गांधी की इस यात्रा से? कुछ सीख पाएंगे चाचा? मतलब कुछ न कुछ तो बदलाव, जब आदमी घर से निकलता है तो कुछ न कुछ बदलाव आती है। बताइए भैया नाम क्या है? मेरा नाम विकास गुप्ता है। विकास गुप्ता जी रहने वाले कहाँ के? हम गुजरात के रहने वाले हैं। इधर घूम जाओ इधर। तो अब बताओ, सब मजा मजा मा छे। बहुत बढ़िया। क्या 2024 में बीजेपी को झटका देंगे? चलो सीधे पूछ लिया, आप बताओ। नहीं, 2024 में भी झटका नहीं, मोदी जी वापस दोबारा ही आएंगे। अच्छा। खाली कहने का है कि राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चीजें उनको उनके मुँह से जो बोलना होता है वो निकलता नहीं, क्योंकि टोटली वो इटालियन पढ़े हुए हैं, जो भी जापानी वगैरह। कौन सी वाली बात गड़बड़ लगी जरा बोलो? नहीं, बहुत सारी चीजें उनकी जो याद आ रही है बताओ। जैसे कि लास्ट टाइम पे उनने जो गुजरात में जब इलेक्शन चल रहा था तो उनके जो ट्रांसलेशन रखे हुए थे वो भी उन लोग ने ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, गुजराती भी प्रॉपर नहीं बोल पाए ना हिंदी ठीक से प्रॉपर बोल पाए। जो इस समय करंट सिनेरियो चल रहा है ये टोटल सोशल मीडिया सिनेरियो है। हाँ, हाँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की भी इमेज जो है बनाई बिगाड़ी जा सकती है। और कितने और भी ये वाली बात के भुक्तभोगी राहुल गांधी खुद है, स्वयं है। इमेज में थोड़ा उनके चेंजेस आएंगे जैसा वो कर रहे हैं, और ऐसा वो लगातार करेंगे तो मे बी इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अच्छा। उनकी पार्टी में।